जब दिल्ली शहर में लोगों के सिर पर मौत का साया मंडरा रहा था और लोग बिना ऑक्सीजन के बेदम होकर तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे थे तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार शराब की नीति पर काम कर रही थी यह प्राथमिकता है सरकार की इस सरकार की प्राथमिकता यह है कि 25 साल से उस वक्त जब कोरोना से यह शहर जूझ रहा था और त्राही माम मचा हुआ था विफलता केजरीवाल जी की भी है उतनी ही विफलता मोदी जी की भी है उस वक्त शराब पीने की आयु 25 वर्ष घटाकर 21 वर्ष करी जा रही थी तीन बजे सवेरे तक शराब बेची जाए खुले में शराब पिलाई जाए यह काम अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही थी तो इस पार्टी के जन्म पर तो संदेह था ही इसकी राजनीति पर संदेह है इनके सिद्धांतों पर संदेह है और हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि जिस एजेंसी का दुरुपयोग का यह हवाला दे रहे यह सच है एजेंसियों का दुरुपयोग तो भाजपा की मोदी सरकार ने इस तरह किया है कि जब वो सही कार्यवाही भी करते हैं तो वो भी उस पर भी सवाल उठने लगते हैं लेकिन इस पूरे मामले की जांच इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया दिल्ली के उनके साथ सांसदों ने नहीं, कि नहीं किया उनके सदन के नेता ने नहीं, नहीं किया आठ एम ने नहीं किया इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी